नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। अभी मैं श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में हूँ और यहाँ पे लड़कियों का स्पोर्ट्स होने जा रहा है। लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ स्पोर्ट्स में भाग लेने जा रही है। कुछ लड़कियां हैं शॉर्ट पुट में भाग लेने जा रही है, कुछ डिस्कस में भाग लेने जा रही है और कुछ 100 मीटर से लेकर के 400 मीटर 800 मीटर की रनिंग होने वाली है। हाई जंप, लॉन्ग जंप सभी होने जा रही है और यहां की सारी लड़कियां इच्छुक है इसमें भाग लेने को। और बहुत दिनों से इन लोगों की तैयारियां भी चल रही थी, ये लोग अपनी तैयारी, इन लोगों का तैयारी पूरा हो चुका है। चलिए आज हम इन सबसे बात करके ये पूछेंगे किस तरह की इन लोगों ने तैयारियां की है और किस तरह की तैयारियों के साथ ये लोग यहाँ पहुँचे हैं एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। आइए मैं बात करती हूँ। तो अभी हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, स्पोर्ट्स की लड़कियाँ। ये सब श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय की लड़कियाँ हैं, सब खड़ी हैं यहाँ पे और मैं इनसे जानूंगी कौन से इवेंट में कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी तैयारियाँ क्या है, नहीं है, कैसी तैयारियाँ करके ये लोग यहाँ पे आए हैं एक दूसरे को पछाड़ देने के लिए। और इसका नाम प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मैं इनसे बात करूंगी। आप किस इवेंट में भाग लेना चाह रही हैं? लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर। और लॉन्ग जंप और हाई जंप और 100 मीटर आपका है, तो 100 मीटर की तैयारी आप किस तरह करती हैं? 100 मीटर की तैयारी मैं भैया लोगों के साथ करते हैं, उसके बाद जिम जाते हैं, जिम में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो जिम भी जाती हैं आप, है ना? और उसके बाद ये जिम भी जाती हैं और डेली इनका प्रैक्टिस भी होता है। और इनसे मैं बात करूंगी, आपका कौन सा इवेंट है? मेरा 400-800 मीटर रनिंग है। रनिंग है और यहाँ पे आप डेली आती हैं? हाँ, मैं ग्राउंड पर डे जाती हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब थक जाती हूँ ना तो मेरे भैया बोलते हैं करो करो, तुमको आगे जाना है ना, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है ना। तो मैं बोलती हूँ हाँ मुझे जीतना है, तो मुझे बहुत कड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं। जब मैं थक जाती हूँ ना फिर भी वो करवाते रहते हैं, बहुत करीब प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत ही अच्छा। संघर्ष की बात है कि मैं रनिंग करती हूँ और सारी लड़कियाँ मतलब रनिंग में जाना नहीं चाहती है, तो मैं बहुत थक जाती हूँ ना फिर भी मेरे भैया मेरी प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं। जो लड़कियाँ रनिंग में नहीं जाना चाहती है, स्पोर्ट्स में नहीं आना, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो बस यही कहूँगी कि आप लोग हम लोग को देखिए, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी खेलती हूँ। आपको अगर मतलब देश की खुशी देखना है तो आप संघर्ष कीजिए, आप कोई भी गेम में पार्टिसिपेट कीजिए, आप जरूर अच्छा कीजिएगा, मेहनत कीजिए तो आप जरूर सफल होइएगा। मैं बस यही हूँ। और आगे और भी सारी लड़कियाँ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। तो आप कौन से इवेंट में भाग लेना चाह रही हैं? रनिंग। रनिंग में कितने, रनिंग में कितना, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, कौन से मीटर? 400 मीटर। वाव, काफी तैयारियां हैं आपकी। हाँ, कितने दिनों से तैयारियां चल रही है आपकी? बहुत दिनों से चल रही है। क्या क्या आप डाइट भी करती हैं, जिम भी करती हैं, सब कुछ? हाँ, सारा चीज करती है। सारा चीज करती है और यहाँ पे पछाड़ देने के लिए लड़कियों को आई हैं आप? यस। जीत के जाएंगी? यस। अच्छा, ठीक है। और भी सारी लड़कियां यहाँ पे है, अभी गेम स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद मैं आपको बताते रहूंगी, आपको वीडियो भी दिखाते रहूंगी और आगे जुड़ रही है। चलिए, तो ये है गोल्ड मेडल, छोटी सी लग रही है लेकिन कहते हैं ना कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका, वही होने वाला है यहाँ भी, ये करने वाली है बड़ा धमाका। ये छोटा पैकेज है बट बड़ा धमाका यहाँ पे करने वाली है कि नहीं? जी हाँ। और सबको ये अभी पछाड़ देंगी और बहुत सी लड़कियाँ लॉन्ग जंप, मैं इनसे बात करूंगा। अभी ये जस्ट शॉर्ट पुट खेल के आई है और मैं इनसे बात करूँ कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। आपने अभी शॉर्ट पुट खेला ना? हाँ। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। और इसकी तैयारी आप कितने दिन से कर रही थी? मैं रोज करती हूँ। रोज करती है तैयारी? हाँ, प्रैक्टिस करती हूँ रोज। हाँ, तो क्या लगता है कि मेडल लग जाएगा? हाँ, लग जाना चाहिए। कौन सा रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा? तो अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रिंसिपल मैम, जुड़ चुकी, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैम, यहाँ की लड़कियाँ तो बहुत जोरों से तैयारियाँ करती हैं और अपना परफॉर्मेंस भी दिखाती है, यहाँ ही नहीं इंटर कॉलेज भी, मैंने सुना है कि इंटर कॉलेज में भी पताका लहरा के आती है महिला कॉलेज का। तो आप क्या कुछ इनके हौसला अफजाई के लिए आप क्या कुछ करती हैं? सबसे पहले तो मैं इस तरह के एनुअल डे का हर वर्ष प्रत्येक वर्ष में करवाती हूँ ताकि सालों भर छात्राएं जो अपने मेहनत की है और जो जिस फील्ड में भी वो अपना काम की है उनका महाविद्यालय की तरफ से सम्मानित किया जा सके। और हम विशेष बाहर से बुलाते हैं ताकि बच्चों का उन लोगों को एनकरेजमेंट मिले और उन लोग और अच्छा कर सकें, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है और हम लगातार सालों भर चाहते हैं छात्राएं हमेशा
किसी न किसी को क्रिकुलर एक्टिविटीज में लगी रहे, पढ़ाई के साथ साथ उनका हर तरह से चौतरफा विकास। जो भी लड़कियां स्पोर्ट्स में अभी तक ले रखी हैं, और आप क्या उनको जो नहीं आना चाहती है स्पोर्ट्स में, आप क्या कहेंगे? मैं यही बार बार कहती हूँ कि आपकी, आज मैंने छात्र संगठन के प्रेसिडेंट से भी मैं बात की और उनसे यही कहा कि आपका प्रथम इसमें टारगेट ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी से अधिक छात्राओं की भागीदारी हर तरह के खेलकूद में कराया जाए और लड़कियां भाग लें। और जो इंटर कॉलेज में गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं या फिर बाहर से भी कोई गोल्ड मेडल इस कॉलेज को देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, तो उनके लिए स्पेशली आप क्या? पहले भी हम कई बार उन लोगों को स्पोर्ट्स शूज दे चुकी हूँ, मैं उन लोगों को ट्रैक शूज दे चुकी हूँ, इस तरह की छात्राओं को जो बाहर से खेल के अच्छा करके आती हैं और कॉलेज के अंदर।